तो फिलहाल शालिनी की तबीयत तो ठीक हो गई है, मतलब नॉर्मल है, मतलब फीवर वगैरह पूरा उतर चुका है। कोविड टेस्ट के लिए मैंने बुक कर दिया, तो कोविड टेस्ट ले आएंगे कल। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, तो शालिनी अभी थोड़ा खा पी रही थी। कैसा बना है? सो यस, शालिनी न्यू पेंगुइन वॉक, कैट वॉक से पेंगुइन वॉक पे आ चुकी है शालिनी। दिखा ना अभी बुखार है आपको। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था कि मुझे प्रेगनेंसी ब्लॉग डालना है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम शूट्स, मैं शूट्स में इतना बिजी था कि मैं मुंबई में था ही नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर था। और शालिनी के साथ, शालिनी की मम्मी आई हुई है, एज यू ऑल नो, शालिनी की मम्मी थी, मेरी मम्मी थी, नानी थी, सब लोग थे। तो आज रात से ओके गूगल पे करना पड़ेगा उनको। हाँ, तो अभी शालिनी की कल रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो आज हम लोग मतलब मैं शालिनी का टेस्ट करवाने आया हुआ था कि शालिनी को हुआ क्या है, क्योंकि कोविड वोविड वगैरह, ये कोविड वगैरह, कोविड के इश्यूज़ वापस से आ रहे हैं मुंबई में, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब। हाँ, रात में शालिनी को फीवर हो गया था, फिर अचानक से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग को लगा कि मतलब शायद ड्यू डेट आ गई है पास में, तो उसकी वजह से इतनी सारी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी जब आज हम लोग जस्ट अभी हॉस्पिटल से हम लोग रिटर्न आए हैं, वहाँ पर मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सकता था, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है वापस से, एज़ यू ऑल नो कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वापस से पेशेंट्स हो रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने शालिनी का टेस्ट वगैरह करवाया, तो ड्यू डेट तो दो दिन के बाद की दी हुई है। सो अभी डॉक्टर ने हम लोगों को बोला है कि शायद ये कोविड के सिम्टम्स हैं, तो अभी मैं देखता हूँ घर पे जाके हम लोग सबर्बन डायग्नोसिस से हम लोग बुलवाते हैं टेस्ट के लिए, सेल्फ टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग को पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या है क्या नहीं है, तो वो ये मैं आपको बताता हूँ। चलो हम लोग पहले चलते हैं घर विदाउट फील, क्योंकि शालिनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरे बच्चे की बुखार भी हो रहा है, सर्दी भी, खांसी भी है, तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। तो अभी सब लोग हम लोग चलते हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है, टेस्ट में क्या आता है, टेस्ट तो आई थिंक 24 आवर्स के बाद ही पता चलेगा। न्यू पेंगुइन वॉक, कैट वॉक से पेंगुइन वॉक पे आ चुकी है शालिनी। ये देखो, क्या बताऊँ अभी, ठीक है। तो चलो अभी चलो, आपका टेस्ट करवाना है, और दुआ करो इंशाल्लाह कि नेगेटिव ही है, रिपोर्ट तो 24 आवर्स के बाद ही आएगी, ठीक है। चलो, सच बोल रहा हूँ, सबका टेस्ट होगा भाई, सबका टेस्ट होगा बोल रहा हूँ। तो अब घर में बच्चा आएगा तो सबका टेस्ट बोला उन्होंने। ये आप क्या कह रहे हैं? आ रहा है, आपने देखा होगा। तेरे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। मैं क्यों छोड़ के चले जाओगे? लेकिन शालिनी का तो, क्योंकि उसको बुखार हो गया ना घर में, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको बुखार हुआ, फिर बच्चा आएगा, बेबी आएगा, तो परसों तो उसकी रिपोर्ट चाहिए, तुम्हारी कसम परसों उसकी रिपोर्ट चाहिए। हम उसके बाद बोल रहे फिर घर में जितने भी लोग, सबकी रिपोर्ट चाहिए। तो क्या हुआ? टेस्ट तो बहुत आसानी से हो जाता है, नॉर्मल है टेस्ट तो। नहीं, 55 साल के लोगों को तो मतलब घर से निकलने मना किया हुआ है, काम हम वर्क फ्रॉम होम बोला है। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मांगी के, तुम्हारी फ्रेश एकदम। तो अभी देखना ये है कि मतलब आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कुछ अभी इतना कुछ डिसाइडेड नहीं है, ना अभी पेन वेन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अभी तो फिलहाल खाना पीना चल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है, ठीक है। इसका मुंह जैसा पेंगुइन की तरह हो गया, मैं इसको पेंगुइन बुलाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। Thank you.
थैंक यू मौसी। ऐसा होता है कि बस पता चल जाएगा आपको। क्या पता चल जाएगा? जो भी रहेगा उनको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सही एवरीवन, जस्ट अभी मैं फ्रेशन अप होकर आ चुका हूँ। शालिनी ने खाना वगैरह सारी चीजें खा ली है, तो ऑलमोस्ट अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो अभी अपडेट ये है कि पेन होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी वापस से थोड़ा सा मतलब पेन कम हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला अगर पेन होता है तो ठीक है नेचुरली, नहीं तो फिर उन लोग को जो लग के प्रोसीजर है, जो लग के प्रोसीज्यूज है, वो उन लोग को करना पड़ेगा पूरा। उसके बाद ही देखो इंशाल्लाह कल तक गुड न्यूज़ आ जाए, क्योंकि एडमिट तो पहले कर लिया, क्योंकि एज यू नो मैंने पहले बता दिया था कि पेन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी वापस वो पेन आता जाता रहता है। सो लेट्स सी क्या होता है अभी। You excited? बहुत, पेन के लिए। होता है बेबी, अब कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है ना अपने को, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, तो मैंने ये सोचा है क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा ना बड़ा हो जाए, तो मैं जो मेन जो पार्ट है बेबी वाला पार्ट है वो मैं सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगा। तो ये वाला पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं कि अभी तक की ये अपडेट है, शालिनी एडमिट हो चुकी है, ड्यू डेट आपको पता चल चुकी है, और लेट्स सी कि आगे क्या होता है वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में दिखा दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सेकेंड वीडियो। सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलो।